अमीर आदमी की गैया, वो ले गया एक गरीब आदमी। गैया को आदत थी हरा चारा खाने की। अब उसने कहा मैं हरा कहां से लाऊं? उसने कहा एक तरीका है, गैया के आंखों में हरे रंग का कागज लगा दे तो इसको सूखी सूखी घास भी हरी हरी दिखेगी। मजे से चरने लगी, क्योंकि दुनिया वैसी है जैसा हम देखते हैं। कैसा देखते हैं? जैसी हमारी धारणा होती है, जैसा चश्मा चढ़ा है। चश्मा उतार दीजिए, पर चश्मा तो दुनिया लगाती है भाई। अच्छी भली गृहस्थी चल रही है उसकी, पुत्र हुआ है उसको, कितनी खुशी होगी, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। तो सहेली आ गई उसकी, उसने कहा कि तेरे पति ने कुछ गिफ्ट दिया तुम्हें? बोले गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं कुछ दिया, लेकिन बड़े खुश है पुत्र हुआ। ये भी कोई बात है? इतने अच्छे मौके पर भी तेरे पति ने तुझे कोई उपहार नहीं दिया? अरे बकवास है तेरा पति, सहेली कह गई है। और जब शाम को पति आए तो बड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी, तो पति ने पूछा मूड ठीक नहीं है? बोले तुझे क्या मतलब है मेरा मूड ठीक हो या ना हो? तुमने कभी मेरी फिक्र की, मेरी भावनाओं की जिद की? उसने कहा तू बताएगी तभी तो। बोले क्यों बताऊं, तुम खुद नहीं जान सकते कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़ाई इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, पुत्र गया भाड़ में, दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक करवाने के लिए, और ऐसे पिता के पास रोज पुत्र आते हैं, पैर छूते हैं, पास बैठते हैं, चाय पीते हैं, ताश खेलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो पिता के मित्र ने कह दिया कि तेरा बेटा ड्रामा करता है तेरे सामने, पीठ पीछे तो तेरी निंदा करता है, इसको कोई प्यार व्यार नहीं है, तेरे माल के कारण पैर छूता ही है। अब जब पुत्र शाम को दुकान से आया और आके उसने पिताजी के पैर छुए, तो पिताजी दिल में सोचते हैं देखो साला कैसे ड्रामा कर रहा है, पैर छू छू बताता है, पीठ पीछे मेरी निंदा करता है। पिता पुत्र में ठन गई, अभी तक तो सब ठीक था, अगर उसकी सहेली उसको ना भड़काती और इनके मित्र ना इनको धारणा का ऐनक लगाते। किसने बताया, किसने बताया? किसी दूसरे ने बताया, आपका कोई अनुभव नहीं है। और इसीलिए मैं कहा करती हूं कि किसी के घर जाओ तो अंधे होकर जाओ और गूंगे होकर लौट आओ, नहीं तो पता नहीं कितनों के घर उजाड़ दोगे।